बेटा की कारण लोगों ताना दिया, उदल गंगा डूबने गया। अच्छा बात है, ये ले आया। आज लोग सुनेगा कि उदल गंगा डूबा, ब्याही नारी ले आया बेटा धुकी। आज लोग समझेगा कि उदल का जांग से ईटा खा पर पैदा लिया। लोग क्या कहेगा मिलन? आपको ये समझना चाहिए ब्रेंड है कि खोपड़ा। मेरा ब्रेंड है रे पागा। ब्रेंड है तो मनुष्य पुत्र पुतली पैदा होता है कि ईटा का पर। इसके पास में ये रंडी के पास में ईटा खा पर पैदा लिया। ये रंडी मेरे नाम को बेच दिया, मेरे मोहब्बत का शिकायत करवा दिया। चंदन वाले सही सोना कह रही है, सही कह रही है, सही भाभी बोल रही है। भाभी भोला जाए, भाभी स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ जाएगी? वो वहां पर ही जाएगी। ऐसा नहीं, रंडी मोहब्बत में रहेगी, मोहब्बत की भार होगी। सही बात बोल रही है। इस रंडी को जलाब को बुला लीजिए। आई इस रंडी को कोर कलेजी दोनों आंख के पुतली अच्छा निकाल कर मेरी सामने हाजिर होना चाहिए। सही बात बोल रही है भाभी, यही रंडी रहेगी। ये बउआ के बोलेगा दांत से चीर चीर के रंडी घर में बैठ के बाप रे बाप। भाभी देवर करे लटर पटर चक्कर सोना है जकर चकल रुदे। अरे जाओ यहाँ से, मेरे राज में फगुनिया सगुनिया डोम है। हम तो देवर भाभी सोना भाभी हमरा सब के मुँह में लागल है कोनो जा। अरे नैना वाली झूठ नहीं बोलेगी। अरे पैना वाली तो बड़ा जो बड़ा झूठे बोलती है। वही ना कहते भाभी जी
रे भागला रे हम जा भी दी रे जोरे रे यहां बात तू बोले के हमरा ए मिलन जाओ फगुनिया सगुनिया डोम है उसे ले जाओ साथ साथ उसे लेते आना उसको बुला के ले आओ आज इस रंडी को फांसी होगा रे याद जाना कुछ नहीं अब के ना साइड में मन मार के ठारा भेल देवती अब हमने हमने गिरा दिया बउआ के जो खाले रहले ना सोकर दांत सब सब आइत रहले जान जाओ चंडाल के लिया बुला के ले महाराज एक बात कहना चाहते हैं बाप माँ मर जाते हैं इंसान क्या बाप माँ जो मर जाते हैं हाँ माँ मर जाते हैं पिताजी मर जाते हैं तब अच्छा अपना छाती पीट के सबूर करके रह जाते हैं अच्छा आज जिस व्यक्ति को अगर पत्नी मर जाती है डायरेक्ट हाँ उस व्यक्ति का क्या होता है क्या होता है साला के कुत्ता जैसा छुछुआता रहता है डाल को लाओ बुला के आज उसे फांसी होगा क्या तुम्हें आज भेजूंगा मैं जिंदा दुनिया वाले यही कहता है सगुनिया फगुनिया तू क्या कर काका छू दो भाई का भैयारी हूँ दो भाई का भैयारी हूँ सात घंटा ने दिन तारी बीता हूँ दारू शराब का बारह दो शुगर का हम चिकना करते हैं नशा है तार 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 तार
जाबर कोई नहीं आ रहा है नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा देर इंतजार करूंगा। न सता सता भई हो यार देखो उसको भी पी जाएंगे। कौन है रे? बिहान कौन है रे? बोलता है दरवाजा पर आकर के यार देखो चिंता नहीं है भगुनिया सगुनिया को यार लोगो उसको भी पी जाएंगे। मैं आदमी हूँ। आदमी हो तो आदमी ना है बोलो। तो हम आदमी तक नहीं बोलते तो सलाह तुमको क्या बुझाते रहे जमीन पर पैखाना करने वाला। तुम जानता नहीं है कौन है फगुनिया सगुनिया डालो भाई किसी का नहीं गुलाम सकता है। अच्छा क्या काम है बोल तुम कौन हो? मैं मिलन बाबू सिपाही है। अरे मिलन बाबू सिपाही? हाँ यह मिलन हो कि मिलन बाबू हो कि सिपाही है? अरे एक बदलाव तीन नाम का आदमी नहीं होता है। अरे मेरा पदवी टाइटल सब बदल गया है। अच्छा तेरा पदवी हो टाइटल हो नाम बदल गया है? मिलन बाबू सिपाही मिलन दरोगा दुर्गोली वाले है ऐसे कहना तेरे मिलन दरोगा दुर्गोली वाले महाराज। ये बात क्या है? महाराज उदय चंद्र सिंह के आदेश है सगुनिया फगुनिया के बुला के लाओ। जो काम करता था वो चालू है कि तुम्हारा बंद है। कौन है रुदल रे मेरे सामने? मेरे सामने में कौन किसका कहता है रुदल रे रुदल तो अपने तीन चार हाथ कूदल। बोल तोरी बढ़नी के रे 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 जब काम करता था तो चालू है कि बंद है? मेरा ही काम। हाँ दुकान तो चालू है रे दुकान मेरी काम सब तैयारी है रे वही चोद हम कथी समझाई हो बाबू रे कौन कौन ब्लॉक में पढ़ल छे रे तोरा पढ़नी के? कौन कॉलेज में रे धरती कॉलेज में मैंने पढ़ता हूँ तेरी। रे वही चोरे धरती कॉलेज कौन हो छे? तुम नहीं जानते हो धरती कॉलेज में बैठता हो धरती कॉलेज में पीता हो धरती पर मैंने छोट जात है इससे उसी का कहता है धरती कॉलेज भट्टी कॉलेज है। आदेश है आदेश के पालन करेगा न करेगा सो बोलो। मैं आदेश का पालन करूंगा थोड़ा कह करके सुनाएगा तो मैं आदेश पालन करूंगा। तुम जो काम करता था वो चालू है बंद है? मेरा काम चालू है। चालू है तो महाराज का एक
नारी कुलनाश्य हो गई है। अच्छा। महाराज महाराज को प्रतिष्ठा पर पड़ गया है। अच्छा। उस सात व्यक्ति को कत्ल करना है। मैं देख लूंगा, चलूंगा, चलो चलना है। हाँ। रास्ता सगुनिया ना कोर सगुनिया को साथ में लाए हैं, लेकिन साला इतना दारू पी रखा अच्छा। है वो अपना आप को किसी के नहीं चिन रहा था। वो कह रहा था कौन साला रुदला हरे, वो साला रुदला को मैं मोच उखार लूंगा। ऐसी बात बोला ओ नासा में, बोला नासा में मेरा सामने आते हुए उसको नासा डाउन हो जाएगा मेरे। अरे नजर को खोलो, सगुनिया महाराज तुम्हारे नासा डाउन हुआ। नासा डाउन हुआ महाराज? मेरे पास में एक उल्लासी नारी है, उसे तुम जंगल में ले जाओ। अच्छा। उसे चित्ते सुता देना। हाँ। सीने पर बाहर जाना। अच्छा। छुरा मार देना। हाँ। उसके कोर करेजी निकाल लेना। अच्छा। नयन का पुतली छुरा लेना। हाँ। मेरे बंगला पर हाजिर करना, मैं नहीं रहूंगा तो भाभी सोना की पास हाजिर कर देना। कौन है? आप नरक भोग रहे हैं। क्या नरक भोग रहा हूँ रे? चार प्रकार का स्वर्ग है। प्रधान जी, प्रथम स्वर्ग निर्मल ही काया, इस शरीर में खा लिए हजम हो गया तो स्वर्ग कहा कहता है। अच्छा। दूसरी स्वर्ग घर की माया। अच्छा। जिस परिवार में पांच आदमी है, दस आदमी है, 20 आदमी है, नौ रोटी हो, 56 व्यंजन हो, एक साथ खा के समय को व्यतीत करते हैं, समय पार करते हैं, वो स्वर्ग कहा करता है। तीसरा स्वर्ग ऐसा पतिव्रता नारी, एकावनो किला के में किसी के नहीं हुआ, जैसी महारानी मोरंग वाली है। चौथा स्वर्ग पुत्र दयाकारी, पुत्र ऐसा पदार्थ दुनिया में किसी का नहीं हुआ। तुम अपने भाई हो सकता, तुम अपने मिलन साथ में रखो। बासी भात में स्वाद नहीं, बासी भात में स्वाद नहीं, परदेश पिया के यास नहीं, परदेश गयो पर चट भयो, पर नारी के संग लोभा गयो, तो वो इसे लोभा
चंडी कहते हैं। चुका है चंडार कहां भाभी नैना वाली बोलो वैसे नहीं जितनी नगर मोहब्बा की पोशाक है रंडी पहने हुई सब उतार लीजिए बाबू बाबू आंख फोड़ दे लगो क्या मैं इसे साथ तुम्हारे साथ हां देवर जी इसे सारी नहीं जा सकता पोशाक जितना है सब खोल लूं क्यों नहीं हम नहीं बजाओ जा छो आओ सारी मैं पहनूंगी पहनने के लिए सोना देवर जी
स्वामी जी, स्वामी जी किसका कौन सा ये है कि ये है कि सोना सोना लगा बेटो ना लेना ना देना बेगर पत्नी का स्वर्ग में होती है आपको दमकार टूट जा तो हम लोग पत्नी का स्वर्ग में होती आपको जानकारी है पत्नी का स्वर्ग में होती आपको स्वर्ग में होता है पत्नी तीन स्वर्ग में होती है प्रथम जो स्वर्ग है पत्नी का खाने पीने जब नाइट में सोते हैं एक साथ रहते हैं पलंग पर तो पत्नी और पति को रिश्ता रहता है एक स्वर्ग हुआ दूसरा स्वर्ग क्या है रे बेहुदा किसी का ऐसा नहीं हो बोन टीवी हो जाए कैंसल हो जाए एक्सीडेंट हो जाए उस समय में पत्नी क्या रहती है क्या रहती है सरस्वती के रूप में रहती है उस बेचारी क्या करती है पति की सेवा करती है और माँ दुर्गा से भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमेशा सुहाग अमर है तीसरा स्वर्ग कौन है कौन है पति से खुश है पत्नी पत्नी से खुश है पति घर आंगन के वो लक्ष्मी होती है नरक भोग रहा है चुप गाछी में गोहिया बर्तन में लोहिया घर में बुढ़िया इतनी का बहुत बहुत है मलिया में तेल यूपी का बेल नेपाल का रेल इनका बहुत महत्व है साइकिल में हवा मकई की लवा दरभंगा की दवा इनका बहुत महत्व है घर में घरवाली ओट पर लाली ससुराल में साली इनका बहुत महत्व है घर दरबारी घर में रारी मुसलमान का दारी इनका बहुत महत्व है खेल में चीज परीक्षा में फीस बिहार में नीतीश इनका बहुत महत्व है सब्जी में आलू जंगल में भालू बिहार में लालू इनका बहुत महत्व है करौआ का झंडा सुरौली का खंडा नाथ पाटी का लौंडा इनका बहुत महत्व है सर पर सपेटा वंश में बेटा हर का ठेठा इनका बहुत महत्व है लोहा में टाटा चूता में बाटा बरसात में छाता इनका बहुत महत्व है और क्या है हदाम की नौकर सरकारी नौकर नाच पार्टी का जोकर इनका बहुत महत्व है फल में पपीता ग्रंथ में गीता नारी में माँ सीता की बातें कुछ और है खेल में आरी बनारसी सारी इंडियन खिलाड़ी के बातें कुछ और है इंडा में ढोल इंडा में डोल गर्दन में ढोल लरानपुर पार्टी का नाच का बोल कुछ और है इसलिए आप नरक कौन तो आखिर के लिए चंद समय हो चुका है मिला
लिए नशा रहेगा तब तो उसको नशा में तुम काम चले चला है मारने मारना है उसको पकड़ लेता है उसको साला ये भी हो सकता है क्या रानी है रानी हमको मोरन मैं समझता हूँ कि तुम जाएगा जंगल में तो मारना है इसको मार देगा तुम दूसरे को नहीं महाराज ऐसे नहीं होगा तो समझ जाओ छूट जाएगा समझ गए कहीं ये छूट गई तुम्हारे राज से मैं निकाला कर दूंगा और जितने बाल बचा है से लबो तब फूको तब सुहा कर देंगे समझो मैं रह रहा हूं ले जाओ इसे चंडाल इसे जंगल में ले जाओ इसे सुधार देना समझा इसे जंगल में ले जाओ इसे सुधा देना अच्छा। सीना का कलेजी नायन का पुतली निकाल लेना और राज मोहब्बा में आए ना रेज मोहब्बा बंगला पर पहुंचा देना अच्छा। नहीं मैं रहूंगा तो भाभी सोना के पास पहुंचा देना बात कहना है कुछ खाने पीने के लिए दीजिए जब जाऊंगा वहाँ तो कुछ नाश्ता पानी खा कर कतल करूंगा अरे साला अभी दुनिया में जानते हो तारी दारू पीने वाला भी तुरंत अरेस्ट होता है जो चंडाल का महाराज अरेस्ट नहीं करता तो फिर ही है अच्छा सुनो ताज दिनों से तुम्हारे इस गांव का जितने भट्टी है सब मेरे फ्री हो गए जाओ पहले काम कर लो जाओ